हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सायपन सिरप के बारे में, जो कि एक भूख की सिरप है। कुछ लोग सही मात्रा में खाना नहीं खा पाते और भूख नहीं लगती उनको सही मात्रा में, इसकी वजह से वो दुबले पतले हो जाते हैं। तो इसमें यूज़ कर सकते हैं, और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, कैसे के प्राइस है, कैसे यूज करना है और कैसे क्या साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले, अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये सायपन सिरप जो कि जैनो फार्मा कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 98 रुपीज़ है, जो कि 200 ml के पैक में अवेलेबल है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं, साइपोहेप्टाडीन, दूसरा ट्रिकोलिन साइट्रेट, तीसरा सोर्बिटॉल, 3 साल से बना ये सिरप। दोस्तों सायपन सिरप जो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को मजबूत करता है, जिसकी वजह से हमें भूख ना लगने की समस्या दूर होती है और हम सही से कुछ खाते पीते हैं और भूख सही से लगती है, तो इसमें यूज कर सकते हैं हम इस सिरप को। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं इसको। नंबर 1, भूख ना लगना। दोस्तों यह सिरप हमें डाइजेस्ट सिस्टम को मजबूत करता है, जिसकी वजह से हम कुछ खाते पीते हैं तो सीधा हमारा शरीर में लग पाता है, इजिली पच पाता है, तो हम भूख ना लगने की समस्या को दूर कर सकते हैं इस सिरप को यूज करने से। तो दोस्तों इस सिरप को हम भूख ना लगने की समस्या में यूज कर सकते हैं, सायपन सिरप को। नंबर 2, वेट गेन होना। दोस्तों ये सिरप हमें भूख बढ़ाने के साथ साथ वजन भी बढ़ाता है, क्योंकि दोस्तों हम सही मात्रा में खाना खाएंगे तो अपने आप ही हमारा वजन बढ़ेगा और हम हेल्दी और मोटा होंगे। तो दोस्तों ये सिरप हमारे शरीर को मोटा भी करता है, अगर हम सही से डाइट ले खाना खाएं तो। नंबर 3, न्यूट्रिशन की कमी को भी दूर करता है ये सिरप। नंबर 4, ये सिरप हमारे कॉन्स्टिपेशन और कब्ज की समस्या को भी दूर करता है। तो दोस्तों हम इन सभी प्रॉब्लम को यूज़ कर सकते हैं, चाहे डाइजेस्ट सिस्टम की प्रॉब्लम हो, भूख ना लगती हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, तो इनमें यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस सायपन सिरप का। चलिए अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज़ कैसे करें। तो 2 चम्मच दिन में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं खाने खाने के बाद। कैसे लें दोस्तों, 2 चम्मच, छोटा वाला चम्मच होता है, 2 चम्मच दिन में 1 से 2 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। बड़े को, एडल्ट, चाइल्ड को डॉक्टर से सजेस्ट लेके यूज़ करवा सकते हैं, बच्चों को भी, दोनों के लिए होता है ये, बड़े या छोटे दोनों के लिए। और दोस्तों यूज़ करने से पहले भी एक बार डॉक्टर से सलाह सजेस्ट जरूर ले लें। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में, अगर ये यूज़ करें तो ये बात ध्यान रखें। नंबर 1, इस सिरप को यूज़ करने के बाद ड्राइव ना करें, ठीक है दोस्तों, ड्राइव ना करें। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। बाई दफ़ा किसी को सूट ना करें, ये दिख सकता है, जैसे कि माउथ ड्राई, सुस्ती और नींद आना। तो दोस्तों इसमें से कुछ भी हो तो समझ जाएगा ये आपको सूट ना कर रहा है, तो इसका यूज़ करना बंद कर दें और डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है दोस्तों। ये थी आज का हमारे वीडियो सायपन सिरप के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।